पुलिस नेट रे फेक न्यूज मेकर मिथ्या खबर प्रसार करितबा ए दुई जण एबे निजे खबर पलटी जाइछंती। सबुठारु बड़ कथा जणे केबुल नेटवर्क ओरटेल कर्मचारी लक्ष्मीकांत बेहरा अन्य जणे पळासुनीर व्यवसायी विश्वजीत महंती एमानंक विरुद्ध रे आईपीसी रो विभिन्न धारा लागिछि। अवहेला करी रोग संक्रमण को बढ़ाइबा नै धारा 269 और 270 अपराधिक षड्यंत्र नै धारा 120 बी और लोकंक भितरे आतंक सृष्टि करिबा नै धारा 505 बी रे उभयंकु गिरफ करा जाइछि। कोरोना पॉजिटिव थिला मोर से सांगटा मते शेयर करथला कजे कोन कोन हेछि हला कि कौन कौन है तर से कौन है मोर जहाँ एक्सपीरियंस कहली उद्देश्य वायरल ना मोर उद्देश्य मो सांग सहित गोटे व्यक्तिगत जो आरोप कली मो सांग अति क्लोज सांग सेयार करी कि लोक पैनिक न हूँ टेनसन न नि कौन व्यक्तिगत तथ्य है आरोप को कौन फेसबुक सोशल मीडिया सेयार करा बहुत मानते बहुत निंदा कर बड़ प्रश्न हूँ ये दुई जन एपरी कले कहीं एमानंको उद्देश्य कौन लोकंक पाखरे मिछ खबर पहुंचाइबार प्रयास काहिंकि ए षड्यंत्र पछरे आउ कार हाथ रहिछि कि जणे अभियुक्त केबुल नेटवर्किंग संस्था ओरटेल कर्मचारी ओरटेल सह राज्यर एक प्रमुख गणमाध्यमर संपर्क कथा काहाकु अजणा अछपा नाही तदंत परे जणा पड़िबो षड्यंत्रर रहस्य। पचरा उचरा पई दुई जण अभियुक्तंकु तीनी दिनिया रिमांड रे नेछि कमिश्नरेट पुलिस। संकट समय कोविड सह चली लड़ई ए समय रे कोविड खबर उपरे समस्तंक नजर सोशल मीडिया तथ्य उपरे लोके एते गुरुत्व दियंती नाही जेतिकी एक मान्यता प्राप्त गणमाध्यम को गुरुत्व मिले। पंजीकृत गणमाध्यम केबे भी वास्तव ठारु दूरेई जानती नाही। सरकार मध्य मिथ्या खबर प्रसारण को नहीं अनेक थर चेतावनी देछंती पूर्वरु अनेक गिरफ मध्य होइछंती तथापि किछि दुर्बृत्त एथिरु निर्वृत्त रहुनांती सेमाने लोकंक मध्यरे मिथ्या खबर प्रचार करी आतंक सृष्टि करुछंती। कोविड लड़ईरे आगधाड़ी रे थिबा व्यक्ति अनुष्ठान हॉस्पिटल प्रशासन सरकारंकु बदनाम ओ हतोत्साह करिबाकु चेष्टा करुछंती। किछि दिन तळे एक ऑडियो क्लिप भाइराल हेला प्रति व्यक्तिंक पाखकु एहा पहुंचाइबाकु चेष्टा करा गला। एक क्लिप रे जणे कोविड पॉजिटिव व्यक्ति तांको बंधु सह वार्तालाप रहिथिला जेउथरे अति चतुरतार सह कोरोना योद्धा किछि हॉस्पिटल और सरकारंक विषय रे कपोल कल्पित तथ्य प्रदान करा जायथिला। कोरोना सह लडुथुबा सरकारंक व्यवस्था को बदनाम करिबा पई ए खबर विभिन्न प्लेटफार्म रे प्रसारित करा जायथिला। एथिरे प्रमुख भूमिका नैथिला एक प्रमुख गणमाध्यम एथिरे भुवनेश्वर महानगर निगम एक निर्दिष्ट चैनल विरुद्ध रे मामला रुजु कले जहाँ चर्चार विषय पलटिथिला। गणमाध्यम आरंभ करी बुद्धिजीवी और विचारक एथिरे सामिल हेले सबू आज्ञा ठीक ठाक चलीला आपण मैंने तो सब जानती चार दिन तले एक निर्दिष्ट गणमाध्यम एवं तार प्रायोजित पोर्टाल दुई जन व्यक्ति भितरे किछि वार्तालाप होता एवं जो वार्तालाप रो ऑडियो टेप भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हस्तगत कला एवं सेथिरे जो मंतव्य रखा जाइथिला ताकु प्रेस रिलीज माध्यम रे बीएमसी सर्वसाधारण रे प्रकाश कला एवं थाना रे एतला देला एवं सही निर्दिष्ट गणमाध्यम एवं तार पोर्टाल कर्तृपक्ष को कारण दर्शाओ नोटिस जारी कला। मु से दिगर जीवा पई चाहू नाही मु कहिवार तात्पर्य होउछि जे माने काम करूथिले आज को दीर्घ चार मास ऊर्ध समय धरी निरवच्छिन्न भाव काम करते से मनोबल भांगी जाइए से मनोबल को किए फेर आनी से समशक्तिर मनोबल केउठ आसव से किए दायी रिथे कि स्टाफ आम छोट छोट छुआ छाड़ी पर लोक छाड़ी वृद्ध मानने बापा माँ से छाड़ी कम कर तेणु केते कष्ट रोचे आम से मानते देखुचु तापर अन्य लोक मैंने साधारण लोक न छुईला भाई अस्पृश्य व्यवहार करथापि से ही मेंटल कंडीशन रे से कम करने भितर या डिफेमेसन है बेलूर मनोबल भांगी जाऊँ आम ओ टी विरुद्ध मैंने जो भाया मैंने मंतव्य विरुद्ध आम हाईटेक ग्रुप तरफ मैनेजमेंट तरफ डिफेमेसन केस आउ क्रिमिनाल प्रोसीडिंग्स करने स्टेप्स आरंभ कर
ଆଜି ଦୁଇ ଜଣ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଘଟଣା ନାଟକୀୟ ମୋଡ଼ ନେଇ ସାରିଛି। କାରଣ ଜଣେ ଅର୍ଟେଲ କର୍ମଚାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବେହେରା ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତି। ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଲା। ଜଣାପଡ଼ିଲା ଅଡିଓ କ୍ଲିପ୍ଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ଲିପ୍ଟିକୁ ଏଡିଟ୍ କରାଯାଇ ଅପଲୋଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହାର ପ୍ରସାର କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି। ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା ସହ କିଛି ହସ୍ପିଟାଲ ଓ କାର୍ଯ୍ୟରତ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧା ଓ ସରକାରଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚତୁରତାର ସହ ଏହା ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।